करने के साथ मिल करके दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास का पोल्यूशन हो, चाहे पराली को गलाने के लिए डीकम्पोजर की छिड़काव का काम हो, पूरे दिल्ली के अंदर ही अभियान चल रहा है। लेकिन दिवाली के दिन पंजाब हरियाणा में पराली की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी और दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा पटाखे फोड़े गए, उससे प्रदूषण स्तर काफ़ी बढ़ा है। अभी भी आज जो रिपोर्ट आ रही है कि पराली के जलने की घटनाएं अभी भी बढ़ रही हैं, कल 3,500 के करीब की घटनाएं, आज की जो रिपोर्ट है कि 4,000 पार कर गए, तो अभी आज भी उसका इम्पैक्ट दिल्ली के प्रदूषण में दिख रहा है। इसलिए अभी तत्काल इमरजेंसी मेजर के रूप में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर जो है पानी के छिड़काव का जो है काम शुरू किया गया है और बड़ी स्मॉग गन लगाई गई हैं टैंकर्स के द्वारा जो है छिड़काव का काम, इसकी आज हमने यहाँ शुरुआत की है। पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह से 114 टैंकर जो है लगाए गए हैं, जो आज अलग 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 जगहों पर जो है पानी के छिड़काव की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, सरकार ने कल एक बड़ा निर्णय लिया है, दिल्ली के अंदर 92 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट जो पिछले दिनों जब हमने इंस्पेक्शन किया था और जहां पर वायलेशन पाया गया था, उन 92 साइट्स को बैन करने का, सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। एसडीएम्स को आदेश दे दिया गया है कि दिल्ली में जो भी डस्ट पॉल्यूशन पैदा करने वाली साइट हैं, 92 साइटें जो है उनको बंद कर दिया जाए।